ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ये एक मासूम सा छोटा बच्चा है जिसकी माँ इससे बिछड़ गई है। माँ की वफात का दुख सहता ये बच्चा दूसरे बच्चों से बड़ा ही मुख्तलिफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे मस्जिद और मदरसे से एक तल्लक नसीब फरमाया है। ये अपनी माँ की कब्र पर खड़े होकर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलामी मुजीद करके माँ को एसाले सवाब कर रहा है। यकीनन मरने वालों के लिए रोने से बेहतर कुछ पढ़कर उन्हें बख्श देना है। और इस कदर खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलामे मुजीद जिसे फरिश्ते भी कान लगाकर सुने उसका क्या सवाब होगा, इसका अंदाज़ा तो इसकी माँ को ही हो सकता है। ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أثاثا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فما يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे इस प्यारे बेटे को सब्र जमील अता फरमाए, इसकी माँ के दर्जात बुलंद फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे इस बच्चे से दीन का कोई ऐसा काम ले इसकी माँ बरोज़े हशर दूसरे लोगों के सामने अपने बेटे पर फ़ख्र कर सके। आमीन सुम आमीन।